हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी सोच रहे होंगे मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव पहुँच गया हूँ और आपको दिखाता हूँ नई नई चीज़ें। और सबसे पहले दिखाता हूँ भोले बाबा की जो मनपसंद है, ये देखिए क्या है। भोले बाबा जिसको इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं भांग, ठीक है। एक एक चीज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। भांग है, ये हमारा खेत है, यहाँ पर ये भी है, और इसे लवेरा पत्ता क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और एक पेड़ और है, ये हमारे बीच है, ककरौंदा का एक पेड़ है ये हमारे बगीचे में। बगीचा हमने सब ख़त्म कर दिया है, बस बचा है वो भी दिखा देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। और ककरौंदा आपको इसमें देखने को शायद एक मिल सकता है, एक या दो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए छोटा सा ये लगा हुआ है और मतलब ख़त्म कर दिए सब लोगों ने। देखो ये भी है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, सब बच्चे तोड़ ले गए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा भी दिखा देता हूँ ककरौंदा। ये देखिए ये बड़ा है, ये देखिए देखिए आपको बड़ा। तो बहुत सारे सब बड़े भी थे लेकिन नहीं है, और बड़ा भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए मैं कोई चीज़ नहीं खाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बड़ा है, इससे ही बड़े बड़े। इसमें ये वाइट वाला है, तो ये काफ़ी फेमस ककरौंदा इसे बोलते हैं। बहुत सारे इसमें आते थे लेकिन सब तोड़ लिए। देखो ऊपर दिखाता हूँ, एक यहाँ रहा है, बहुत सारे आते सब तोड़ के खाली है। और ये हमारा बगीचा यानी कि देसी आम है, दिखाता हूँ मैं आपको, देख लीजिए। ये हम आम नहीं तोड़ते, ये पक पक के सब गिर रहे होते हैं, गिरते हैं तो बच्चे ये सब खाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं आपको, इतना सारा आम है, हम नहीं खाते हैं। मतलब मैं तो, मुझे पसंद नहीं है, मतलब घटिया मुझे बहुत पसंद है। ये सब आम है, ये देसी है अचार वाले, तो हम इनको नहीं तोड़ते हैं बिल्कुल भी। तो ये अपने पकते हैं और गिर जाते हैं, तो इनको हम नहीं तोड़ते। तो मैं सोच रहा था दिल्ली जाने वाला हूँ, तो बहुत जल्द पहुँचता है 10-20 किलो से तोड़ के ले जाऊँ, क्योंकि मुझे भी ख़रीदने पड़ेंगे अचार के लिए। तो मैं इसमें तोड़ के ज़रूर लेके जाऊंगा, और वीडियो बहुत आपके बीच में बहुत जल्द वो लेके आऊंगा जब हमें आम तोड़ूंगा, ठीक है ना। इस पर चढ़ के तोड़ूंगा, यहाँ से लेकर के इस पेड़ पर चढ़ के जाऊंगा ऊपर, तब आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़। और ये देसी है, बाकी दर्जे कलम के हैं। ये एक पेड़ सूख गया है, ये अमरूद का है, हमारा बगीचा था काफ़ी 10 बीघा का, तो एक ही इकलौता एक पेड़ बचा है अमरूद का, जिसके आपको दर्शन हम करा देते हैं। ये देखिए बस एक ही लता मात्र है, देख लीजिए छोटे छोटे इसमें अमरूद लग रहे हैं। ये देखिए 10 बीघा हमने कटवा दिया, सब ख़त्म करवा दिया, कहाँ क्या करते कौन करता। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक एक चीज़ें। और ये दशहरी आम का पेड़ है, ये वाला, इसमें जो बड़े बड़े आम थे दशहरी, हमने आम सब तोड़ के भाई ने बेच दिए, इसमें छोटे छोटे आम दशहरी रहेंगे, तो ये पक पक के जो अपना नीचे गिर जाते तो बच्चे खाते रहते। हम लोग इतना नहीं करते क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास। ये देखिए दशहरी है, और आपको मालदा भी दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये दशहरी है, और एक दशहरी का पेड़ ये है, देखिए दिख रहा है, इस पर जो एक बच्चा बैठा हुआ है आम की डाली पे, इसे बोलते हैं मैना। मैं मालदा का भी आपको पेड़ दिखाऊंगा बहुत जल्द, आप बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको पेपरमेंट का भी दिखाऊंगा, चिंता मत करना, बहुत जल्द। खेत पर आया हूँ अभी, नहाया धोया नहीं दिल्ली से, और आपको बहुत जल्द मालदा का पेड़ दिखाने वाला, मौसमी दिखाऊंगा आपको। चलो एक पेड़ यह है, एक पेड़ उधर है मौसमी, और बादाम के तो हमने ख़त्म करवा दिए, सब कटवा दिए, कहाँ क्या गए क्या क्या करेंगे। ये देखिए देखिए आपको मौसमी ये लग रहा है, देखिए ये मौसमी का पेड़ है, सब ख़त्म करवा दिए अपने, टाइम नहीं है ना, बहुत मौसमी थे। और भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरा मूंग का खेत है, और मैं दिखा रहा हूँ आपको एक एक चीज़ का। मुझे नहाना भी है जा करके, थक गया हूँ पूरी रात बस में बैठे बैठे। मौसमी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड।
ये देखिए, ये है मौसमी का पेड़, ये दूसरा हमारा मौसमी का पेड़ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब हम नहीं बेचते, बच्चे खाते हैं, बस देखने का कोई काम नहीं हमारे क्षेत्र। मालदा का पेड़ भी इसके बगल पर, वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखिए मौसमी, बहुत मौसमी है, देखिए देखिए आपको मौसमी, ये सब बच्चे खाते हैं, हम नहीं, अपने को पसंद है ही नहीं, बहुत मौसमी है, कौन खाएगा। मालदा दिखाएं आपको, मालदा, मालदा देखेंगे, मालदा, मालदा टूट के बिक गया। और ऐसा नहीं है कि मालदा आपको ना दिखाएं, हम ज़रूर आपको मालदा दिखाएंगे। आम है अभी, इस पर 2-4 क्विंटल तो तकरीबन निकलेंगे, क्योंकि इस पर पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं मालदा पर। ये आम है हमारा मालदा, लेकिन आम बहुत ऊपर लगे हुए हैं। अब मैं जूते पहना हूँ तो मैं कैसे ऊपर चढ़ सकता हूँ, चप्पल पहन के आऊँगा तब चढ़ूँगा। बचपन के लगाए हुए पेड़ हैं अपने, देखिए कुछ आम दिखाई दूंगा मैं आपको, दिख नहीं रहा मुझे नज़दीक, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा बहुत जल्द। मालदा ऊपर है, जूता पहन के मुझे लग रहा है चढ़ना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जूता पहन के चढ़ता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जूता पहन के चढ़ जाता हूँ, देखिए जूता पहन के चढ़ता हूँ, ठीक है फ्रेंड। और आम आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं मालदा के लिए, मालदा पेड़ पर चढ़ चुका हूँ तो आपको मालदा ज़रूर दिखाऊंगा। जूता पहना हूँ, दिक्कत इस बात की है, लेकिन किधर से दिखाऊं मैं आपको मालदा, मालदा, क्योंकि ये बहुत नाजुक पेड़ होता है, टूटने के इसके चांस अधिक मात्रा में होते हैं। आम बहुत है, अभी टूटे गए हैं, 3-4 क्विंटल तो अभी तोड़ के लेके गए हैं देखने के लिए। मैं जूता पहन के ही चढ़ रहा हूँ पेड़ पर। मालदा टूटने का डर है, और मैं मालदा जरूर आपको दिखाऊंगा, नज़दीक में नहीं आ रहे हैं मेरे। और ऐसी बात नहीं कि मैं आपका आम ना दिखाऊं, लेकिन मैं अपनी कोशिश में कामयाब जरूर होऊंगा आपके सामने, क्योंकि डाली बहुत दूर है, टूटने का अधिक दिक्कत होता है इसका, क्योंकि ये टूटता बहुत जल्दी है। और मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, ये देखिए बहुत ऊपर आ चुका हूँ, और मुझे डर है जूतों के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मालदा ज़रूर दिखाऊंगा। मैं इस पर भी चढ़ता हूँ, ये लीजिए, इस डाली पर भी चढ़ूंगा और मालदा दिखाऊंगा आपको। कीड़े बहुत हैं, बहुत बड़ा आम है ये मेरे हाथ का लगाया हुआ है, लेकिन आम मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आम जो नज़दीक में थे सब तोड़ के ले गए हैं। मैं आपको मालदा, अरे यार कहाँ दिखाऊं, सब दूर दूर हैं यार, दूर दूर हैं आम, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप समझ लीजिए। मालदा आम, आम बहुत है, अभी बहुत सारा है, लेकिन पत्ते बहुत हैं इस पर। नहीं आ रहे पकड़ में ना, आम तो बहुत है इस पर, ये पका हुआ लग रहा है इस पर, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता है वहाँ पर। कोशिश किया था मैं, बहुत आम तो बहुत है अभी, लेकिन मेरे कपड़े ख़राब होने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे खाली हाथ रिटर्न लौटना पड़ रहा है मालदा पेड़ से। बहुत बड़ा पेड़ है ये झुका हुआ है, काफ़ी जगह में है, कम से कम ये 5-6 बिस्सा में होगा पेड़, ये मेरे टाइम का ही लगा हुआ है।
हमने अपने हाथों से इसको लगाया था, देखे थे मैं टूटने के डर से मैं जान ही रहा हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न लौटना पड़ रहा है। कीड़े बहुत हैं इसमें, वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं इनको, इतना आदत पुरानी है ना, बचपन की आदत कहाँ जाएगी, बचपन की आदत कहाँ जाएगी। मैं जूते पहन के ही चढ़ गया हूँ इस पर, पैंट फटने का डर है। ओ भाई माल दाम दिखाऊं, मैं हाथ में लेके नहीं दिखा सकता ना, सब दूर दूर है, आम बहुत है इस पर, लेकिन इस डाली पे मैं जा नहीं सकता। ओहो माय गॉड, बच गया पैर, मैं आपको दिखा देता, ये देखिए तो लग रहे हैं, एक वो आम है, मैं उसे तोड़ता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं एक आम तोड़ लेता हूँ, जब तक उसको मैं डाली हिलाता हूँ, मेरे सर में चोट लग गया बहुत तेज, मैं इसको डाली हिलाता हूँ, देखो गिरता है नहीं, या नहीं गिरता। एक आम तो रखा हुआ है, लेकिन आम एक गिरा, लेकिन वो आम नहीं गिरा, कहाँ गया, गिरा तो है, बट एक आम और था, मैंने देखा था, अच्छा ये है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस आम को अभी कोशिश करता, मेरा पैंट गंदा हो गया, आम गिर गया है। मैं आपको मालदा आम दिखाता हूँ, नीचे पहुँचता हूँ, क्योंकि मैं आम के पास नहीं पहुँच सकता, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, अभी मेरे हाथ पर टूट जाएंगे। आप लोग मेरा इंतज़ार हॉस्पिटल में करते रहिए, कहाँ पहुँच गया मैं, ओह माय गॉड, ओ भाई बच गया मेरा पैंट, नहीं तो आज हो जाता कल्याण मेरा, बहुत कीड़े हैं, तो आम की, चलो दोस्त मैं बस पेपरमेंट का आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द, पेपरमेंट का भी दिखाऊंगा खेत, और कैसे निकलता है पेपरमेंट का तेल, वो भी आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द। मैं कूद जाता हूँ, नीचे आ गया मैं, ये देखिए मालदाम पका हुआ, ठीक है, और आम तो कई सारे गिरे थे, लेकिन मैं डर इस बात का, यहाँ पे एक कोबरा सर्प रहता है, और वो हमारे बाबा के टाइम से रहता है, इसलिए डर हमें उसका सताता है। मैं इनको उधर फेंक देता हूँ, किधर गया, मन तो करता है आम खाने का, बट मुझे शौक नहीं है, मैं इधर इकट्ठे कर लेता हूँ, मालदा आम है ये, पके हुए सारे गिर गए, लेकिन मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैंने दिल्ली से आया हूँ, जब से अभी तक मुँह भी नहीं धोया। ये देखिए पके हुए आम है, पर अभी थोड़े हैं जस्ट, ये देखिए ये पका हुआ है एकदम, ये देखिए ये निशान ऐसे ही है पका हुआ, लेकिन ये ख़राब नहीं है, ऐसे निशान काला हो गया इस पर, ये मालदा आम है, ये भी देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आपने मालदा आम देख लिया, मौसमी आपको दिखा दिया, बहुत सारी चीज़ मैं अभी दिखाने वाला हूँ, मेरे बगीचे बहुत सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।